हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी 18 जनवरी को आपका एग्जाम हो गया है। इस पैटर्न पे आपको मैं रेगा का मॉक टेस्ट मैंने आपको दिया, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज में था। आप लगाओ और देखना, आपके एग्जाम में एग्जैक्टली इसी पैटर्न, इसी लेवल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है? गारंटी है इस चीज़ की। और इसको बनाओ। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारे मैथ के PDF, जो पेड PDF था मैथ का, रीजनिंग का, बना के जा रहे हैं ना, रेगा में फोड़ के आने वाले, बिकॉज सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो मैंने देखा क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर आपने, अगर आपको अभी भी चाहिए, उस PDF को बाई करना चाहते हो, अगर लगता है कि आप पढ़ लोगे इस कम टाइम के अंदर, तो आप बाई कर लो व्हाट्सअप करके 7279047787। हमारे जितने भी PDF है, रीजनिंग की, वोकेबलरी की, मैथमेटिक्स की, करंट अफेयर की, सारी PDF को बाई करके, अगर आपका एग्जाम, अगर आप एबल हो पढ़ के जाने के लिए, तो पढ़ लो। आपको 100% एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा, बिकॉज जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं PDF से पढ़ के, बिकॉज 100% तो कहीं से नहीं आता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं PDFs को पढ़ के, ठीक है? तो देरी मत करो, व्हाट्सअप करो और बाई करके जल्दी से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कहीं से भी बाई करके पढ़ लो एग्जाम से पहले। बट कोशिश करना कि व्हाट्सअप से ही बाई करें, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो एग्जैक्टली चार्ज है PDF का, वही बाई करके करोगे, ठीक है? चलो मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, AMD का पूरा नाम क्या होता है? AMD का पूरा फॉल्व होता है कि आप सबको पता है, क्या होता है भैया? एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है? तो एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था इसका। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता था, मैं बता दे रहा हूँ। भारत ओमान, जो भारत और, देखो भारत और ओमान के साथ पूछ सकता है ना कि कौन सी, ये पूछ सकता है नाम इस तरीके से, कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स अल नहाज चतुर्थ, ये जो ऐसे पढ़ो इसको, एक्स अल नहाज फोर्थ, ये जो है वो किस कंट्री के बीच में हो रहा है? तो इंडिया और ओमान के बीच में। पूछ सकता है ना कि कहाँ पे हो रहा है? तो वो राजस्थान में हो रहा है। दो क्वेश्चंस बन गए यहाँ से, याद रखोगे आप। अगला है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से एक ही इंसान विख्यात है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर? आगे कह रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता था। ये तो यूट्यूब के कम्युनिटी में भी डाला हुआ था। आगे देखो, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में अवस्थित है, क्लियर? ओके सर। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये जन्म ही क्यों लिए वो 1800 जन्म कहाँ लिए, 1869 में, ठीक है? यहाँ पे तीन सवाल बन गया, क्यों लिए, कहाँ लिए और कब लिए, 1869 में, क्लियर है? सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, ध्यान से सुनो यहाँ पे, दीपक नाम का एक इंसान है और वो चलता है, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वहां से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, अंत में बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में। गाइस यहां पर देखो, दीपक चलता है यहां से कितना, नॉर्थ में 20 मीटर, फिर यहां से लेफ्ट मुड़ता है 40 मीटर, क्लियर है? फिर यहां से क्या मुड़ रहा है बताओ मुझे, लेफ्ट मुड़ता है, फिर 20 मीटर ही चलता है ये इंसान, फिर यहां से राइट मुड़ता है एंड कितना चलता है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर और साथ में ये वाला जो 40 मीटर था मिलके कितना हो जाएगा आपका, टोटल 60 मीटर बन जाता है, तो 20 प्लस में 40 मिलके बन जाता है 60, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। आई होप कि आपका भी यही चीज होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, कह रहा है देखो, कंप्यूटर को RFUBE के बाद क्या है भैया, ये QNPC लिखा जाता है, उसी प्रकार मेडिसिन को क्या लिखेंगे? सुनो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक नियम यूज करना, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहले लिखा हुआ है क्या आपके सामने, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ठीक है? फिर लिखता है इसको RFUBQNPC। सबसे पहले देखो, सी का यहाँ पे लास्ट में ला दिए और जो आर था लास्ट में उसको फर्स्ट में ला दिए, ओके, ये चीज क्लियर है? तो वही काम हम लोग करेंगे RFUBQNPC में, सी लास्ट में, तो सी ठीक है, ये अरे ये क्या लिख दिया, मेरे को मेडिसिन लिखना था ना, तो मैंने वो लिख दिया, चलो मेडिसिन लिखते हैं, MEDICINE, मेडिसिन, तो ई को पहले लाओ, एम को लास्ट में ले जाओ, क्लियर है? उसके बाद देखो, इस वाले ई में वन जुड़ोगे तो एफ मिल गया, तो इस वाले एन में एक जुड़ोगे तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, क्लियर? फिर आई में एक जुड़ो, जे मिल जाएगा। देखो इसमें वही क्या, टी में एक जोड़ा, यू मिल गया, यू में भी, पी में क्यू, एम में एन, ओ में पी, इस तरीके से करोगे तो सी में एक जोड़ोगे तो डी, आई में एक जोड़ोगे तो आई जे मिलता है, डी में ई जोड़ोगे तो ई मिलेगा, और ई में एक जोड़ोगे तो एफ मिलेगा, तो लास्ट में ई एफ एम कहाँ है, तो ई एफ एम इसमें है, और यही पूरा डी नंबर जो है बिल्कुल भी सही है, क्लियर है?
चलो फर्स्ट को और लास्ट को उल्टा करना था और बाकी पीछे से एक एक जोड़ के आगे की तरफ लिखते जाना था। कह रहा है ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता ई डी की माता है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये भैया ब्लड रिलेशन, देखते हैं जो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले जो है उसको सबसे पहले लिखो। कह रहा है ए बी की बहन है तो ए इज द बहना ऑफ बी, क्लियर है। कह रहा है सी बी की माता है तो सी इज द मैया जी ऑफ बी, तो ये जो हो गई इसकी माता जी हो गई तो सी। अब कह रहा है डी जो है सी का पिता है, लो अब ये इनके पिताजी हो गए। अब कह रहे हैं ई जो है डी की माता, अब ये उससे भी ऊपर है, ई से वैसे कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे, बस बीच में टपक गई है। फिर कह रहा है ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो ए है वो डी से, तो डी से कैसे काउंट करोगे, ये सी इसकी बेटी हुई, बेटी की बेटी, तो डी की बेटी की बेटी क्या लगेगी, ग्रैंड डाउटर लगेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है देखो ए जो पंक्ति में दाएं से लेफ्ट से 10th नंबर पे था, बी जो राइट से 9th नंबर पे था, दोनों स्थान अदला बदली कर लेते, तो फिर ए जो है बाएं से 15 नंबर पे हो जा रहा है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो टोटल जोड़ो 15 प्लस में 9 कितने हो गए 24। अब ए को दो बार जोड़ा है हमने तो एक माइनस कर लो तो 23, तो टोटल कितने आदमी थे सर, 23 आदमी थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में था। अगला पूछ रहा है इसमें से ऑड बताओ, देखो यहाँ पे बहुते लोग हैं, कह रहा है टूथ चीन नोज ईयर आई, इस सब में से बताओ कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे अलग है। तो देखो नोज ये क्या है, ये कहोगे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ईयर भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, आईज भी है, टूथ भी है। देखो एक तरीके से कह सकते हो चीन, चीन कहाँ होता है, कहोगे सर हम तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अरे वो चाइना के बारे में बात नहीं कर रहे, चीन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो होता है ना जैसे दाढ़ी जिसको बोलते हो नीचे, ठीक है, जो निकला होता है ना दाढ़ी लंबा सा नीचे, वो बाल नहीं दाढ़ी का, वो जो हड्डी कहते हैं हम लोग उसको, वो चीन। इसलिए ये सबसे डिफरेंट क्यों है ये समझ में आना चाहिए। देखो नोज ईयर आई, आई से देखते हैं, ईयर से क्या करते हैं सुनते हैं, नोज से सूंघते हैं, तीत से काटते हैं, चीन से क्या करते हैं प्याज छिलते हो, नहीं बच्चों के मतलब बच्चों के किसी काम आता है खाली वो खेलने के, पकड़ के खेलते हैं, इसके अलावा तो कोई काम का है नहीं वो, ठीक है, खाली चेहरा का सुंदरता बनाता है, इसलिए सबका अपना अपना काम है, इसका कोई काम नहीं है वैसे, ठीक है। प्रॉपरली अगर देखा जाए डेली रूटीन में तो कोई काम नहीं है, हाँ चेहरा को सुंदर बनाता है वो बात अलग है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बताओ इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देखो ठीक है चलो बनाते हैं हम लोग 16 मल्टीप्लाई को कहता है क्या कर दो, मल्टीप्लाई को कह रहा है देखो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई माइनस को दर्शाता है, माइनस कर दो खाना थोड़ी मांग रहे हैं। डिवाइड को कहता है प्लस कर दो, पूरा क्वेश्चन में लिखा है, माइनस को कह रहा है क्या मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को क्या कहता है डिवाइड कर दो। ये दो दूनी चार, ये 15 दूनी 30, और 30 ये जो वैल्यू आ जाएगा इसका, 30 को 16 में जोड़ोगे तो 46 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर डी में 26 बिल्कुल भी सही सही क्वेश्चन है। ओके सर आगे आगे कह रहा है ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही है, यदि खेलते समय नंदिनी सीधे सूर्योदय की ओर देख रही है तो ममता का मुख किधर होगा। सुनो शतरंज खेलेंगी तो आमने सामने बैठेंगी, तो सूर्योदय इधर होता है ईस्ट में, तो नंदिनी कौन है भैया, नंदिनी इधर बैठी है और इधर देख रही है, तो फिर ममता का मुख किधर होगा, तो इसके सामने बैठ के इधर देखेगी, वेस्ट में देखेगी वो, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर वेस्ट, क्योंकि जो देखो एक इंसान जो सूर्य की ओर सुबह में देख रहा है तो ऑब्वियसली वो ईस्ट में देख रहा है, तो सामने वाला कहाँ देखेगा उसके, जस्ट वो पश्चिम में देखेगा, तो डी हो जाएगा। फिर कह रहा है इसका आंसर बताओ, 21, 19, 299, 18, 22, 296, 32, 32 वाट, 43, 48, तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या गया है, थोड़ा सा खेला देखो इसमें क्या क्या है, इसमें ना सुनो सबसे पहले ना ऊपर वाली लाइन के बारे में बात कर ले हम लोग, 21 और 19, 21 और 19 इसके बारे में, तो किया इसके अंदर ये कि 20 आ गया भैया, 20 इधर आओ हाँ आ गया, देखो 21 into 19 खाली, ठीक है, तो ये हो जाएगा 399। ओके मास्टर 399 आ गया, तो इसमें से 100 घटा के देखो 299 आ जाएगा, क्लियर है। ओके फिर आ गया आपका 18 into 22, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, अब 18 into 22 कहोगे 396 होगा सर, तो फिर 100 घटाओ 296 मिला। ओके 32 into, फिर इसमें अगर हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या 348 नहीं बल्कि 100 ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, तभी तो उसमें 100 माइनस करेंगे तो 348 मिलेगा, तो मतलब इसका वैल्यू 448 मिलना चाहिए। तो अगर इसको इससे हम डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 14, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14, क्लियर है। आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि 138 छात्राओं, मतलब 138 छात्रों के एक औसत अंक 65 है और एक अन्य कक्षा के 69 छात्र के औसत अंक 68 है, दोनों
कक्षाओं को मिलाने पर उनके औसत अंक कितने बनेंगे। सबसे पहले ये चीज हमको दिमाग में आना चाहिए, टोटल जो है अंक कितना होना चाहिए वो चीज अपने को समझ में आना चाहिए। 338 जो है कितने स्टूडेंट्स हैं उनका वैल्यू कितना हो जाएगा ये चीज बताओ। 338 इंटू 65 कर लो, ये जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा वो हो जाएगा 897, कितना है हो जाएगा 840, तो जीरो ही होना है। ठीक है, तो ये जो हो गया 138 छात्रों का टोटल जो हो गया उनका कह रहा है वो अंक हो गया। ठीक है, एवरेज औसत अंक 65 था ना, तो एवरेज जब भी पूछेगा तो अपने को ऐसे ही निकाला जाता है। और फिर कह रहा है 69 छात्रों का 68 अगर है एवरेज तो एग्जैक्ट एज कितना हो जाएगा उनका 4692 हो जाएगा। तो ये तो हो गया उनका अलग अलग, क्या हो गया भैया एवरेज हो गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या करनी है अपने को, इनको जोड़ देना है। इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल एवरेज आ जाएगा। तो चलो टोटल एवरेज आ गया 13662। तो कहोगे सर ठीक है चलो, तो अभी टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये चीज अपने को समझ में आ रही है। तो टोटल स्टूडेंट से इनको डिवाइड कर दो। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कैसे पता चलेगा सर, कुछ नहीं करना, पहले 138 छात्र थे और दूसरे कक्षा में 69 छात्र थे, तो क्या लिखोगे 3 1 3 6 6 2 by 2 0 7, 207 लोग हो गए। तो अभी 207 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है 66। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 66। ठीक है, 66 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला भी कुछ अगला ही है। अगला ये है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अंतर होगा। सबसे पहले एक सवाल पूछो, मैं 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार है ना, तो देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 28, तो इसका पेरीमीटर जो होगा ना वही क्या होगा, तार की लंबाई होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो 2πr इसका पेरीमीटर है, क्लियर है। तो तार की लंबाई होगी, तो कह रहा है कि वृत्ताकार तार के एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो इसको वर्ग के रूप में मोड़ने के लिए तो बाद में ऐसे वर्ग बनाएंगे, तो पहले तो तार की लंबाई पता होगा तब ना इसका एरिया होता है a स्क्वायर, तो पहले तो इसका एक भुजा पता होना चाहिए या फिर एरिया, तब तो निकालेंगे ना। तो सबसे पहले 2πr, ठीक है चलो हटाओ 2πr रखेंगे हम लोग 28, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है इसका परिधि पता चल जाएगा, तार की लंबाई पता चल जाएगा, 2 × 22/7 × 28, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये 4 × 8 = 16 × 16 = 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 8 हो जाएगा और 8 × 16 = 17 176। तो इसके लिए पहले तो ये लिख लो अपने को कितना आ रहा है 176। ठीक है, ये क्या हो गई तार की लंबाई हो गई, लेंथ हो गई इसकी। ओ सर्कल का एरिया क्या होता है मुझे ये बताओ, एरिया एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया बराबर लिखोगे 22/7, आर का वैल्यू है कितना 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 28 × 28, तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप लिखोगे तो 2464 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए। तो अब जो चीज़ है, ठीक है ये तो हो गई पूरी, ये तो इसका एरिया हो गया ना 2464, तो अभी इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले तो एक भुजा की लंबाई निकालेंगे बाद में, पहले एल का वैल्यू है पूरे तार की लंबाई 176, चारों भुजा का जोड़, तो एक भुजा बराबर क्या होता है, या फिर आप ये निकालो अगर इसका वैल्यू है ना 176, तो इसका वैल्यू होता है 4 × a, तो पूरे लंबाई इसका परिमाप कह देना, पेरीमीटर क्या करेगा जोड़ोगे सबको, तो a बराबर कितना हो जाएगा 44, तो जब a बराबर 44 तो इसका एरिया बराबर कितना हो जाएगा 44 × 44, जिसका वैल्यू होता है 1936, तो दोनों के एरिया को घटा लो 2464 1936 घटाओगे तो 528 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो गया भैया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में था। आगे देखो 18 नंबर कह रहा है, एक आयत की लंबाई अगर 20% बढ़ा देते हैं और उसकी दूसरी की 20% घटा देते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा, तो R1 × R2 / R100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, इसका कट जाएगा ये -4% आ गया, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस में वैल्यू आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आनी चाहिए बिकॉज आपके अंदर थोड़ी सी जानकारी तो होगी। आगे कह रहा है प्याज के दाम में 50% बढ़ा देने पर प्याज पर क्या कह रहा है, प्याज के व्यय पर नियंत्रण करने के लिए कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए। तो सुनो जब भी बढ़ा रहे होते तो क्या लिखते हैं, ये लिखो 100 × 50 और ये 150, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कमी करने के लिए कहेगा तो बढ़ा देते हैं ना, ये कटा लो तो हो जाएगा 100/3। जब भी कहते हैं किसी चीज़ की कितने परसेंट की कमी करनी होगी तो नीचे जोड़ते हैं, और कहेगा कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी तो नीचे घटा लेते हैं, हम थोड़े से उल्टे टाइप के इंसान हैं लेकिन आंसर आ जाता है अपना सही। आगे देखो
कह रहे हैं एक व्यापारी 13 क्विंटल गेहूं था, एक व्यापारी के पास 13 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 14% के लाभ पर बाकी को 24% के लाभ पर बेच दिया। देखो बाकी कुल मिलाकर उसको 18% का लाभ हुआ, तो उसने 24% पे कितना गेहूं बेचा, तो देखो इतना पैसा, पहले वाले को 14%, दूसरे वाले को 24%, और दोनों को मिला के कितना में मिला उसको 18%। तो फिर क्रॉस माइनस करा दो तो ये हो जाएगा, माइनस कराओगे ठीक है, माइनस करते हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 6, तो कुल मिला के 3:2 के रेशियो मिला। तो 24 वाले का वैल्यू अपने को 2 आ गया, 14 वाले का वैल्यू 3 आ गया, तो 24 वाले का पूछ रहे हैं तो 2 बाई क्या लिखोगे, 3 + 2 = 5, टोटल कितना गेहूं था 13 क्विंटल ठीक है, तो क्विंटल इंटू 100 तो ये कर लोगे 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा 13 × 2 = 26, 26 × 2 = 52, तो 520 kg जो गेहूं था क्विंटल क्या था, इसलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक क्विंटल में 100 kg जो होता है कोई भी चीज़ होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से लगकर खड़ी है, यदि सीढ़ी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पांव से दीवार तक की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले सुनो, एक सीढ़ी है ठीक है, एक सीढ़ी है, तो ये एक सीढ़ी है नहीं, ये सीढ़ी नहीं हो सकती, ये दीवार है ठीक है, सीढ़ी तिरछा होता है आपको पता है, 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से, तो इस दीवार की लेंथ 10 मीटर है, तो फिर पूछ रहे सीढ़ी की पांव से दीवार तक का दूरी बताओ, तो ये पांव है, ये इसका क्या है दीवार का, ये पांव है और ये इसका दीवार है, तो इसका पूछ रहा है, तो ये देखो क्या होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, और इसका वैल्यू है 30 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, पी बाई बी, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर, पी का वैल्यू 10 है और बेस का पता नहीं है, बेस का बेस लिखो, तो ये टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर 10/बेस, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा सर 10√3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10√3 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आगे देखो 22 नंबर कह रहा है 144 किलोमीटर की दूरी को 3.2 आवर्स में तय करने के लिए कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से और चाल की औसत गति होनी चाहिए, तो सबसे पहले बताओ मुझे डिस्टेंस क्या होता है, आपको स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस है 1444 किलोमीटर, टाइम है 3.2, तो अभी 3.2 को ना मारो गोली, हम इसको लिखेंगे 32 ठीक है, 32/10, तो क्या लिख सकते हो ये 16 और ये 5 बार में कटेगा, तो ये लिखो इसे 144 × 5/16, तो 4 के टेबल से कटेगा का, तो 4 × 16 4 × 3 = 12 4 × 6 = 24 ये हो जाएगा 4×9 = 36 ठीक है, तो ये ठीक है 4×9 = 36, तो इनका स्पीड हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मास्टर ऑप्शन में तो है ये नहीं, अरे मुन्ना रुको, ये पूछा आपसे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करोगे 45 × क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कहोगे सर ऐसे तो धोखा हो रहा है बनेगा ही नहीं अपना, तो हम लोग उल्टा भी तो कर रहे हैं ना, हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं एग्जाम में ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप लोग मीट जब भी छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 बराबर कितना हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड, क्लियर है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी सही है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, अरे इकाई अंक क्या होगा सुनो मुन्ना इधर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 ऐसे करके कुछ कुछ आएगा, 54 के बाद क्या आएगा मुझे ये बताओ, देखो 52, 53, 54 × 55 लिखोगे तो ये 55 × 4 करोगे मल्टीप्लाई 54, तो ऑब्वियसली इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, जब एक जब यूनिट डिजिट 0 आया तो पूरा खानदान का यूनिट डिजिट क्या कर देगा 0 कर देगा ये, तो करेक्ट आंसर इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा इसका ठीक है। आई होप कि इसके अंदर कुछ भी सोचने और समझने वाली चीज नहीं है, बस यही जो था वो चीज़ जो था मैं बता दिया आपको ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एक चीज़ देखने वाली चीज़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ भाग गुणा करते हैं हम लोग, कह रहे हैं किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 बचेगा, सुनो 48 से डिवाइड देंगे, नहीं ये उल्टा पढ़ रहे हैं हम लोग, किसी संख्या को ना उल्टा मैंने पढ़ दिया, देखो यहाँ पे 387 से डिवाइड देंगे एक्स को तो रिमाइंडर 48 बचता है, तो x बराबर क्या लिखते हैं, x बराबर इन दोनों को जोड़ देते हैं, हम लोग पढ़े थे ना 387 प्लस में 48 कितना हो जाएगा 7 × 7 = 14 15 × 8 = 12 = 13 ये 435 आ गया, x का वैल्यू 435, तो 435 को 43 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा और ये 5 का रिमाइंडर बचेगा, तो करेक्ट आंसर सी हो गया, इतना प्यारा सा क्वेश्चन था। 25 देखो कह रहा है देखो एक मेले में प्रवेश की टिकट का मूल 11:16 है,
ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं ना, रुको ये हमको लिख रहे हैं तो थोड़ी सी बीच में गड़बड़ काम हो रही है, मैं इसको लिखता हूँ 11:16 है, ठीक है। और बताओ मेले में आने वाले लोगों की संख्या जो है वो 19:9 के रेशियो में कम हो जाती है, तो कुल रेशियो में वृद्धि या कमी बताओ। तो हम लोग इसको क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, बड़ी प्रेम से गुणा कर लेते थे, ठीक है। और इसको गुणा करने के बाद समझ में आता था कि अपना जो है क्या हो जाएगा, ये 209 बटा में 144। तो पहले 209 था, बाद में 144 हो गया, तो ऑब्वियसली पहले से कम हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 209:144 के रेशियो में क्या हो गया, कमी हो गया। कुछ लोग इंक्रीज मार देंगे तो कहानी खत्म, वहां पे क्या हुआ भैया, डिक्रीज हुआ। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर है। 26 नंबर क्या कह रहा है ना, यदि रानी किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में कर ले, तो रानी पूरा काम कितना करेगी, तो 1/3 क्या था ना, तो इसको उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3/1 × 4, मतलब रानी पूरा काम 12 दिन में करेगी। और बानी कह रहा है उसका 1/4 भाग लिखा रहा है ना, तो उल्टा कर दो 4/1 भाग, इसको 6 दिन में कंप्लीट करेगी तो 24 दिन में हो जाएगा। दोनों मिलके काम करती हैं, तो इनके डेज का day 1 ratio day 2 अगर करोगे दोनों के, तो 12:24 हो गए, मतलब 6 × 12 = 6, मतलब या फिर आप 1:2 कह सकते हो। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, ठीक है, तो 2:1 हो जाएगा। तो कह रहा है बताओ 360 रुपये मिले, तो रानी को कितना मिला, रानी पहली वाली थी तो 2/3 × 2 कितना हो जाएगा, 360, घटा लो इसको तो 240 रुपया मिल गया रानी जी को, करेक्ट आंसर भी। तो पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताने का ही नहीं था, ये पूछ रहा था बताओ इसमें क्या आंसर होगा, सिंपल सा लॉजिक था, इसको मैंने पढ़ाया था, कुछ नहीं करना था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराना था, इसको जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, क्लियर है, ऐसे बन जाएगा ये वाला, ऐसे क्लियर, ऐसे तो ऐसे कहाँ बना है, बी के अंदर है। नॉन वर्बल देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, तो फोटो खींच खींच के भेज रहे हमारे टीम मेंबर को, सर यहाँ पे गलत है, अरे कुछ गलत नहीं है, आराम से पढ़ो, कुछ भी गलती नहीं पढ़ाएंगे आपको, नहीं आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपको गलती क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहो। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बताओ इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो एक चीज अपने को समझ में आना चाहिए कि इसमें से कुछ ना कुछ सही होगा, किस तरीके से सही होगा, क्या सही होगा, ये चीज आपसे पूछने वाली चीज है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, खतरनाक लॉजिक लगा हुआ है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसको ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, इतना खतरनाक है कि इसमें टाइम ही देने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो ये जो पूरा फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो फट से आंसर आएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो पूरा को अगर हम रोटेट कराएंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो देखो यहाँ पे आ गया, ये जो पार्ट है उठ के यहाँ आ जाएगा क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही घूमेगा ना ये, तो बस ये पूरा पार्ट अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये जो यहाँ पे छुपा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो सी में आया है ना यहाँ पे, ये देखो कहोगे सर बी में भी है, लेकिन देखो बी में क्या फर्क है ना, तो ये जब पूरा घूमेगा तो ये वाला पार्ट जो होगा वो किधर होगा, देखो यहाँ पे होगा खाली, लेकिन यहाँ पे क्या है फुल गया, तो ये गलत है, करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ सी सही है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज था। अब इसमें पूछो क्या हो जाएगा, इसमें मत पूछो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहली बात तो ये जो पूरा सर्कल सा था ना, इसको हम लोग ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो ये जो पहला बाहर का साइड से सर्कल था उसको भी हम लोग हेक्सागोन में चेंज करेंगे पहली बात, ठीक है। हेक्सागोन में चेंज करने के बाद इसको भी देखो यहाँ पे ये जो पूरा ये जो पार्ट था इसका, इसको हमने चेंज किया हेक्सागोन की तरह, तो हम लोग आगे के भी फोटो को हेक्सागोन में चेंज करेंगे, तो ये चीज़ समझ में, तो ये भी जो भी चेंज होगा या फिर हेक्सागोन में तो नहीं होगा क्योंकि आधा है, तो तीन ही पार्ट में ऐसा चेंज होगा। और ऊपर से ये जो है ना ये नीचे का ऐसे बनेगा, तो ये जो बन रहा है किसमें, ए में बन रहा है और ई में बन रहा है, तो ए में देखो ये जो पार्ट है ना ये काफी जो नीचे देखो इसको ला दिया गया जो कि गलत है, और ए और में ई में एक ही सिमिलरिटी मतलब सिमिलरिटीज है ना कि बाहर का जो फिगर है राउंड है और इसका बाहर का फिगर जो है ये हेक्सागोन है, तो करेक्ट आंसर ई बचा, आप तो कुछ बचा ही नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए 30 नंबर देखो, ये तो पढ़ाया हुआ है, सबसे पहले देखो जो कॉर्नर में था एस अगली बार बीच में गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे पी कॉर्नर में था तो अगली बार बीच में गया, तो इस बार ये वाला पेंटागॉन जो कॉर्नर में वो बीच में चला जाएगा, तो बीच में कहाँ पे देखो इसके अंदर है और इसके अंदर है, क्लियर है। आगे देखो जो भी फिगर कॉर्नर में था वो बीच में चला गया, क्लियर है। आगे देखो जो नीचे एन यहाँ पे था अगले वाले में ऊपर चला गया है, ठीक है, जो यहाँ पे त्रिभुज था अगले वाले में ऊपर गया, तो अगला यहाँ पे एस है तो ऊपर में एस चला जाएगा वहां पे, तो इन दोनों में देखो ये चीज गलत है, यहाँ पे एस नहीं गया, तो सिर्फ ए नंबर जो है बिल्कुल भी सही है। तो गाइस कमेंट करके बताओ आपने इस टेस्ट के अंदर कितना स्कोर किया, क्योंकि जो भी स्कोर आपका इस मॉक टेस्ट के अंदर रहा लगभग 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे वही आपके एग्जाम के अंदर होने वाला है, ठीक है।
इससे पहले हमने बहुत सारे रगा का मॉक टेस्ट दे रखा है, जाओ प्लेलिस्ट हमने बना दिया, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे रगा का मॉक टेस्ट आप देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे पेड वो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, तो ए टू जेड स्टडी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारे पीडीएफ्स को पढ़ के जाओ, वो भी सफिशियंट रहेगा, मैथ रीजनिंग वोकैबुलरी ठीक है ये सभी चीज़ों का करंट अफेयर का। तो व्हाट्सअप करो पीडीएफ को बाई करने के लिए 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक हमने दे रखा है।